हेलो एवरीवन, आज हम पर्पल ऑफ कैसियस की बात करते हैं कि हमारा पर्पल ऑफ कैसियस क्या कहलाता है, इसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं और इसका क्या यूज होता है। तो जब हमारा स्टेनिक एसिड जो है वो कोलाइडल गोल्ड पार्टिकल को एब्जॉर्ब करता है तो पर्पल कलर का एक सॉल्यूशन बनता है जिसको कि हम पर्पल ऑफ कैसियस बोलते हैं। अब इसका फॉर्मेशन हम कैसे कर सकते हैं, तो पर्पल ऑफ कैसियस को हम बना सकते हैं SnCl2.2H2O से। तो SnCl2.2H2O से हम पर्पल ऑफ कैसियस का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, तो इसका फॉर्मेशन जो है वो दो स्टेप में होता है। तो पहले स्टेप में क्या होता है, तो स्टेप वन हम लिख लेते हैं। तो स्टेप वन में जो हमारा गोल्ड क्लोराइड होता है उसकी रिएक्शन SnCl2 से कराते हैं, तो इसका रिडक्शन होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो ये बनेगा हमारा SnCl4 और ये हमारा बनेगा गोल्ड। तो ये हमारा कोलाइडल गोल्ड पार्टिकल जो है बन गया। अब इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं, तो ये जो क्लोरीन है इसकी वो यहाँ पे शिफ्ट हो रही है, तो यहाँ पे 2 करोगे, यहाँ पे 3 करोगे, यहाँ पे 3 करोगे और यहाँ पे 2 करोगे, तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। तो ये तो हमारा कोलाइडल गोल्ड बना। अब इसके बाद हमारा स्टेप टू आएगा, ये जो हमारा SnCl4 बना है इसका हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो ये बनेगा हमारा SnOH4। तो यहां पे हमें 4H2O चाहिए और क्या बनेगा, 4HCl बनेगा। अब चूंकि ये तो हमारा कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, से क्या होगा, ये SnO2 बनेगा और 2H2O बनेगा। तो ये जो हमारा टिन ऑक्साइड बना है, तो ये जो हमारा टिन ऑक्साइड बना है ये वाटर से कंबाइन होगा, क्या बनाएगा, H2SnO3। ये हमारा स्टेनिक एसिड बनता है। ये जो स्टेनिक एसिड है जब ये कोलाइडल गोल्ड पार्टिकल को क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा, तो दोनों के एब्जॉर्प्शन से हमारा पर्पल ऑफ कैसियस जो है वो बन जाता है। तो ये जो पर्पल ऑफ कैसियस बना है इसका यूज क्या होता है, तो जो हमारा ग्लास होता है, जो हमारा पॉटरी होती है, उस पे कलर करने के लिए हम पर्पल ऑफ कैसियस का यूज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करें, उसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।